दिल्ली में उपराज्यपाल बदल गए, लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी सचिवालय के बीच पुरानी जंग जारी है। हालात ऐसे हैं कि अब दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के दफ्तर में काम करने वाले सभी अफसरों के कॉल डिटेल्स के जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, कैबिनेट ने यहाँ के विजिटर रजिस्टर की भी पड़ताल का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने एलजी अनिल बैजल के दफ्तर पर फाइलें लीक करने का संगीन आरोप लगाया है। केजरीवाल मंत्रिमंडल के मंत्रियों का कहना है कि ऐसा आम आदमी पार्टी के सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल ने मुख्य रूप से 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन विवाद से जुड़ी फाइलों के लीक होने की जांच करवाने का फैसला लिया है। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग के साथ भी केजरीवाल सरकार का 36 का आंकड़ा था। हालांकि अनिल बैजल के साथ एमसीडी चुनाव से पहले कुछ दिनों तक कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन सरकार के इस फैसले से नया सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। अनिल बैजल को उपराज्यपाल बने हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के साथ उनकी कई बार ठन चुकी है। पिछले महीने एलजी ने आम आदमी पार्टी को सरकारी खजाने से विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ चुकाने को कहा था, जिस पर पार्टी ने एतराज जताया था। यही नहीं, उपराज्यपाल एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की आम आदमी पार्टी की मांग को भी ठुकरा चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों केजरीवाल सरकार की खुफिया इकाई को बंद करने का आदेश दिया था। केजरीवाल फीडबैक यूनिट के नाम से इस इकाई को चला रहे थे। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में केजरीवाल के हाथ क्या लगता है, या फिर हर बार की तरह बस आरोप हवा में तैर रहे होंगे। नेहा चंद्रा, APN दिल्ली।